नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज अपडेट। 18 जुलाई 1979 को उत्तराखंड के देहरादून की विजय कॉलोनी निवासी कर्नल राजेंद्र डोगरा और निजी स्कूल में संस्था प्रधान कुमकुम के घर बेटी पैदा हुई। नाम रखा आरती डोगरा, यही इनकी पहली संतान थी। इसकी शारीरिक बनावट अन्य बच्चों से जुदा थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, मगर 3 फीट 6 इंच के बाद कद नहीं बढ़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर्स ने आरती डोगरा के जन्म पर कहा था कि यह बच्ची सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगी। वहीं लोगों ने भी ताने कसे थे, इसे परिवार के लिए बोझ बताया। यहां तक कि आरती डोगरा के माता पिता की दूसरी संतान पैदा करने की नसीहत दे डाली थी, मगर उन्होंने इसी इकलौती बेटी को कामयाब बनाने की ठानी और नतीजा यह है कि आज आरती डोगरा IAS अफसर हैं। आरती डोगरा ने अपनी कद काठी की कमजोरी को ही ताकत बनाया, देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देहरादून चली गई। वहां इनकी मुलाकात उत्तराखंड की पहली महिला IAS मनीषा पंवार से हुई। उनसे आरती को UPSC की तैयारी की प्रेरणा मिली। IAS मनीषा पंवार से मुलाकात ने आरती डोगरा की जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। आरती UPSC की तैयारियों में जुट गई और 2005 में पहली बार परीक्षा दी। पहले ही प्रयास में अखिल भारतीय स्तर पर 56वीं रैंक हासिल IAS बनी और राजस्थान कैडर चुना। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री की विशेष सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। वर्ष 2006-07 में IAS की ट्रेनिंग के बाद आरती डोगरा को सबसे पहले उदयपुर के ADM के तौर पर पोस्टिंग दी गई। इसके बाद ये अलवर व अजमेर के ब्यावर में SDM भी रहीं। बतौर जिला कलेक्टर इन्हें वर्ष 2010 में बूंदी लगाया गया, फिर बीकानेर और अजमेर की जिला कलेक्टर के रूप में भी सेवाएं दी। जोधपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक भी रहीं। 1 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री की विशेष सचिव नियुक्त होने से पहले 19 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री की संयुक्त सचिव पद पर रहीं। आरती डोगरा देश की वो अफसर हैं जिनका कद नहीं बल्कि काम बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके काम के तरीके के मुरीद हैं। बीकानेर में जिला कलेक्टर रहते आरती डोगरा ने बंको बीकानो अभियान की शुरुआत की। इसमें लोगों को खुले में शौच ना करने के लिए प्रेरित किया गया। गांव-गांव पक्के शौचालय बनवाए गए, जिसकी मॉनिटरिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती थी। यह अभियान 195 ग्राम पंचायतों तक सफलतापूर्वक चलाया गया। बंको बीकानो की सफलता के बाद आसपास से जिलों ने भी इस पैटर्न को अपनाया। दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।